नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल। आज आपके टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास की 2020 से रिलेटेड मॉडल पेपर लेकर आए हूँ पीजीस का। इस मॉडल पेपर से आप बहुत ही हेल्प मिलेगी। इस तरह के अगर कमेंट करेंगे तो आपको मॉडल पेपर और दो चार मॉडल पेपर बना देंगे पीजीस के। और मॉडल पेपर को अगर आप हल करेंगे तो आपको निश्चित है कि इसमें से अच्छा मार्क कर सकते हैं। इन्हीं मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीधे के सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको इसको तैयार करना है इन सारे क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए क्या चीज़ें चाहिए। और हाई स्कूल की तैयारी के लिए हम वीडियो डालते हैं, इंटर की पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स सारी वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके आगे बात करते हैं। तो ये है आपका, इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को पढ़ने पर निर्धारित है, ठीक है। परीक्षार्थी को पढ़ना है इसमें, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है कि इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जितने खंड हल करने हैं उनकी संख्या प्रारंभ में लिखी है और प्रत्येक अंक उनके सम्मुख लिखे हैं। अब प्रश्न में प्रतीकों के समान अर्थ हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वही बहुविकल्पी क्वेश्चन में से कौन सा सही है उसको सही करना है। तो इसमें है आपका दो चाल की गोले जिसकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं और समान आवेश घनत्व द्वारा आवेशित हैं, इसके पृष्ठ निकट के वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें से कौन सही होगा ये चीज़ आपको सही करना है। इसका सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन आप मॉडल पेपर हल कीजिए, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा। प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों प्रतिरोध में धातु के आयनों से टकरों की संख्या कम होती है, तो नियत रहेगी बढ़ेगी घटेगी शून्य हो जाएगी ये। और तीसरा क्वेश्चन है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, इन चारों में से सही करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है आपका, किसी कैथोड पृष्ठ का कार्य फलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होगी, इसमें से कौन सही है ये बताना है आपको। आप देख लीजिएगा किसी पुस्तक में दूर दृष्टि दोष को निवारण क्या होता है इसको बताना है। उसके बाद एक अर्ध तरंगी डायोड दृष्टि कारक जिसका भारण जावक्रीय सिग्नल द्वारा किया गया है, निर्गत में बिना फिल्टर के शिखर वोल्टता का मान 10 वोल्ट है, तो निर्गत वोल्टता का डीसी अंश होगा, ये क्वेश्चन है, इसमें सही करना है। तो इतने क्वेश्चन थे, अब 6 क्वेश्चन हैं आपको, 6 क्वेश्चन है आपका। प्रश्न 2 में सभी खंड के उत्तर देना है और ये छोटा क्वेश्चन है जिसको अतिलघु उत्तरी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परावैद्युत समर्थ से क्या अभिप्राय है, परावैद्युत पढ़ लेना है। अनुनाद परिपथ में LCR परिपथ के शक्ति गुणांक का मान बताइए, ये कर लेना है। और 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होगा, ये कर लेना है आपको। उसके बाद प्रकाश का वह अभिलक्षण बताइए जो अपघटन की अपवर्तन की घटना में अवर्तित रहता है, ये बताना है। उसके बाद प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने पर किस माध्यम से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। उसके बाद आयाम मॉडुलन क्या है इसको बताना है, तो आयाम मॉडुलन जानते हैं आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपको, ये आपके उससे बड़े क्वेश्चन अति लघु उत्तरी से बड़े थोड़ा लघु उत्तरी टाइप क्वेश्चन हैं। इनमें आपको क्या करना है कि आपको 4 क्वेश्चन देना है, 4 क्वेश्चन में से आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे, तो 2-2 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4×8 नंबर का मार्क्स रहेगा ये। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि एक आवेश क्यों को 2 भागों में किस प्रकार विभाजित करेंगे, उनके एक दूसरे की दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगेगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती प्रतिपद के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये है। उसके बाद हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत लिखिए, ये है। उसके बाद आपका चौथा नंबर है, चित्र में दिए गए जो गेट हैं मतलब पी के 5 नाम बताइए, निर्गत सिग्नल वाई की सतर्कता सारणी बनाइए, जो चित्र है इसकी सतर्कता सारणी आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 4 नंबर, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 नंबर के, 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले अगर याद रहता है तो आपको इनको करना जरूरी समझना चाहिए, क्योंकि अगर इसको कर लेने हैं तो आपका तीनों क्लस क्वेश्चन कर ले, 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, विभव मां की
विभवमापी की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जाती है, वोल्टमीटर की तुलना में इसे क्षेत्र श्रेष्ठ क्यों समझा जाता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है और 4 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा को प्रवाहित करने होने पर या पूर्ण स्केल विपक्ष दर्शाता है कि धारा को 6 एम्पियर परास वाले में मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा अर्ध चालक जबकि प्रतिरोध किताब बढ़ाने से साथ घटता है, कारण स्पष्ट करना ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संगणक चित्र में सॉरी इसको हम पहले चित्र दिखा देते हैं, ये संगणक चित्र है, आपको संगणक चित्र बताना है, ठीक है। ये आपका चित्र है, इस चित्र को आपको बताना है कि इस चित्र में आपको प्रत्येक ये जो वाटों की प्रतिरोध प्रत्येक 22 है और प्रत्येक की अधिकतम 18 वाट तक है, विद्युत शक्ति दी जा सकती है तो परिपथ की अधिकतम शक्ति ले सकता है, कितनी शक्ति ये लेगा, ये जो कि आप देख रहे हैं कि आयमित ई मॉड्यूलेशन से किस प्रकार किया जाता है, गणना कीजिए, मॉड्यूलर सूचना की आवृत्ति, ये सबको डिटेल में थोड़ा देना है। उसके बाद आपका है पता लगे कि फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए, 25 वाट के वर्षीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंग है 6000 वाले फोटॉन पर सेकेंड, ये बताना है आपको। उसके बाद आपका ये एक क्वेश्चन ओवर हो जाता है तो आपका ये क्वेश्चन है इसमें का चौथे का वो सॉरी आठवें का, ये हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों प्रति सेकेंड 6×10^15 जो होता है चक्कर लगाता है, विद्युत वृत्ति पर धारा का मान ज्ञात करा है इसमें। और उसके बाद ये है बोहर का परमाणु मादा रदरफोर्ड के परमाणु मादा से कैसे श्रेष्ठ है, ये करना है। उसके बाद आपका ये नंबर है नाभिक की श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है, ड्यूटेरियम नाभिक और ये सब चीज़ें। उसके बाद आपका ये है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के हल्के आवृत्ति के जैव के रूप में दोलन करता है जिसका आयाम 48 वोल्ट प्रति मीटर है, ज्ञात कीजिए दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इस माप ज्ञात करना है। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है आपका सभी खंडों के उत्तर दीजिए, इसमें गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, जबकि बिंदु कोष के बाहर पृष्ठ पर अंदर स्थित हो, सारी चीजें आपको कंडीशन दिखाना है। उसके बाद आपका ये प्रत्यावर्ती धारा जनित रचना और कार्य भी समझाना, जिस धारा तुलना प्रत्यावर्ती धारा के लाभ है, इसको कारण के समानता प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग की जाती है कि नहीं, ये प्रयोग बताना है। उसके बाद आपका ये है प्रकाश व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्लिटों पर बीच अंतराल में इतना एमएम है और उसके प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर दूरी पर पर्दे पर 3 मीटर चौड़ी फ्रिज बनता है, तो इसके लिए आपको गणना करना है ये चीज़ जोड़िए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड को पढ़ लेना है, इसके उपयोग को समझाना है और गेट किस प्रकार व्यवहार करता है इसको दर्शा के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, आंसर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आंसर के पीडीएफ दे देंगे, पर आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनका हम आंसर पीडीएफ में हम दे देंगे, बस आपको कमेंट करना है, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम पीडीएफ में इसकी लिंक भेज देंगे, आप पीडीएफ से इसका आंसर डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का भी और आंसर का भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, बस आपको इसे प्लीज़ आप इसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 लाइक जरूर करवाइए, अगर आप ऐसा करवाते तो आपको हम इसी तरह का मॉडल पेपर, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, अंग्रेजी का मॉडल पेपर, सभी का मॉडल पेपर लेकर आएंगे और कहेंगे तो इसका हम ये पहला मॉडल पेपर था, इसके बाद दूसरा मॉडल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह 4-5 मॉडल पेपर हम इसका लेकर आएंगे, जिससे कि आप अगर 5 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं परीक्षा आने तक तो निश्चित रूप से आपको वो पेपर में आने वाले क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, बस आपको 5 मॉडल पेपर हल करना है और अच्छे से तैयार करना है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर प्लीज कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को हाई स्कूल में इंटरमीडिएट को भी जोड़ दीजिएगा, और अगर मोबाइल कंप्यूटर के बारे में चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर संबंधी बहुत वीडियोज आपको मिल जाएंगी चैनल पर जाके देखिए, कंप्यूटर की भी और मोबाइल की भी मिल जाएंगी, कैसे मोबाइल फॉर्मेट, रीस्टोर, मोबाइल सारी सेटिंग कैसे अपडेट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, सारी चीज़ें हम बताएंगे मोबाइल की भी और कंप्यूटर की भी। तो वीडियो
यहीं पर करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर पीडीएफ लिंक चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।